थैंक यू ध्रुव राठी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आप खुद देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और MSP नहीं मिलेगी। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। सर कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अपोजिशन पार्टी के नेता को लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिला हो, क्योंकि किसी भी अपोजिशन पार्टी के नेता को अगर लीडर ऑफ अपोजिशन पद के लिए क्लेम करना हो तो लोकसभा की कुल 543 सीटों में से लगभग 55 सीटें उस पार्टी को मिलनी चाहिए, तब जाकर वो लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर क्लेम कर सकता है। लेकिन दोस्तों 2014 में कांग्रेस को महज 44 सीटें ही मिली थी और 2019 के इलेक्शन में 52 सीट्स मिली थी, लेकिन इस बार 99 सीट जीत कर आई कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन पद पर सर्व करने का मौका मिल गया है। इस बार राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। देखिए राहुल गांधी उनके परिवार में से तीसरे ऐसे मेंबर है जो लीडर ऑफ अपोजिशन को सर्व कर रहे हैं। उनसे पहले उन्हीं के पेरेंट्स सोनिया गांधी जो कि 1999 से 2004 तक और राजीव गांधी जो कि 1989 से 90 तक लीडर ऑफ अपोजिशन पद पर थे। हमारे देश के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर राम सुभाष सिंह थे जो 1969 से लेकर 1971 तक इस पद पर सर्व कर रहे थे। अब सवाल ये आता है दोस्तों, ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता है, इसका काम क्या है? देखिए एक शैडो प्राइम मिनिस्टर एक शैडो कैबिनेट फॉर्म करता है जिसमें सारे अपोजिशन मेंबर्स होते हैं। अब अगर इनकेस कोई रूलिंग गवर्नमेंट फॉल कर जाती है तो ऐसे में शैडो कैबिनेट ही देश चलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जब से राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वैसे ही कांग्रेस की एक अलग ही लेयर पड़ी है। अब देखिए ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, अगर आप YouTube पर राहुल गांधी के स्पीच की व्यूज देखोगे तो वो नरेंद्र मोदी के स्पीच के व्यूज से ज्यादा होंगे। अब आप इससे समझ सकते हो कि हमारे देश की जनता किसको ज्यादा सुनना पसंद करती है।